हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ चटनी की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं फ्रेश मटर से बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देख लेते हैं कि मटर की चटनी बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी सामग्री ली है। स्टार्ट करते हैं। मटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब फ्रेश मटर लिए हैं, 1 से 2 पिंच हींग ली है यहाँ पर मैंने नमक स्वाद के अनुसार, 2 हरी मिर्च ली है जिसे आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 5 लहसुन की कलियां ली हैं और 2 से 2.5 चम्मच हमें सरसों का तेल लेना है। सबसे पहले हमें मटर को 2 से 3 मिनट बॉयल करना है। मटर को बॉयल करने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 ग्लास के करीब पानी लिया है। पानी को हम बॉयल कर लेंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, इसमें हम मटर डाल देंगे। मटर को ढककर 2 से 3 मिनट बॉयल कर लेंगे, तो मैं इसे ढक देती हूँ। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन मैंने हटा दिया है, तो मटर बॉयल हो चुके हैं। मैं गैस बंद कर दूंगी और एक छलनी में डाल के पानी और मटर अलग कर लेंगे। मटर को मैंने एक छलनी में डाल दिया है और पानी अलग कर लिया है। मटर को मैंने एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है और साथ में हरी मिर्च डाल दूंगी, लहसुन की कलियां और नमक, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। अगर ये आपका जल्दी पिसता नहीं है तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है चटनी का। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब सरसों तेल डाल रही हूँ, तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच सरसों तेल डाला है। और ये जो करछी है इसमें मैंने 1/2 चम्मच सरसों तेल लिया है और इसे मैं गैस पे गरम कर लेती हूँ। करछी को मैंने गैस पे रखा हुआ है और मैंने इसको ऑन कर लिया है और गैस बिल्कुल स्लो है हमारी। तेल को हमें गरम करना है और इसमें हींग का तड़का लगाना है। तेल गरम हो गया है और मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। तेल गरम हो चुका है तो जो हींग ली हमने इसमें हींग डाल देंगे और हींग जब अच्छे से इसमें पक जाए तो हम इसे चटनी में डाल देंगे। तो हींग का कलर देखिए चेंज हो गया है। ये लाइट ब्राउन कलर की हींग हो गई है, तो अब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और तेल को मैंने अच्छे से पूरी चटनी में मिला लिया है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।